भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा हैदराबाद में दूसरा टेस्ट मैच टीम इंडिया की गिरफ्त में आता दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें कि वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसके बाद अच्छी शुरुआत के बाद वेस्टइंडीज की पारी लड़खड़ा गई और 113 रन पर वेस्टइंडीज के 5 विकेट गिर गए। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज को पहला झटका शार्दुल ठाकुर ने दिया और उसके बाद कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का कमाल दिखाते हुए 3 धमाकेदार विकेट झटक लिए। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज की टीम 5 विकेट गंवा चुकी है और 5 बल्लेबाज वेस्टइंडीज के पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं, यानी कि अब पूरी तरह से वेस्टइंडीज की टीम बैकफुट पर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहां से टीम इंडिया कितनी जल्दी से जल्दी वेस्टइंडीज को ऑल आउट करती है। हालांकि शेन डावरिच और रॉसल चेज क्रीज पर बने हुए हैं और इनके बीच करीब 68 रनों की साझेदारी हो गई है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत कितना जल्द से जल्द वेस्टइंडीज को ऑल आउट करती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।